स्नेहा रखना हो मेरा, याद स्नेहा रखना हो। पंछी बोल तो क्यों नहीं, ओ पंछी बोल तो क्यों नहीं। बहुत अच्छो। कुछ लोक गीत भी गाया, लोक गीत अंदर कुछ मतलब जरा ब्याह शादी में जरा गाना अलग गीत है उन अंदर भी गीत तो जो भी छो जी। हां ब्याह शादियां में तो मोस्टली बचपन तो ही बंदो सुनतो रहता है। ओब्वियसली बंदा ना गानो शौक वे तो बंदो देखा गाता मतलब जागे नाल गाणी लापे। जी जी जी। कोई याद उस तरह की कहीं लोक गीत अंग बीचो कोई लाइट मां कोई जी। पंछी के बाद ब्याह शादियां ला गीत तो मैंने बहुत ही कट याद है, पर मैं बहुत सारा गीत जिसका मतलब बहुत सारी जबाना मां बहुत सारा गीत गाए और गोजरी मां भी गाऊं। तब ना एक गीत सुनाऊंगी जेडो के अयाज सैफुरा ने गायो है। जी जी। हां जी। फिर पानी पर तास कड़िया काए गल अमड़ीगी दस कड़िया, काए गल अमड़ीगी दस कड़िया दस कड़िया दस कड़िया। उत पानी गी एक पावे थी, उत मनुआ गी एक छावे थी। उत पानी गी एक पावे थी, उत मनुआ गी एक छावे थी। उत मेरी सोनी मावे थी, ती नाल उसे गै चस कड़िया काए गल अमड़ी गी दस कड़िया काए गल अमड़ी गी दस कड़िया दस कड़िया दस कड़िया। बहुत अच्छो जी। कोई म्यूजिक की तालीम वगैरह या मौसीकी की तालीम वगैरह ली किधर? जी नहीं, आज तक मैं किधर तो भी तालीम नहीं ली। इतना है कि कोशिश करूँ जिस तरह मतलब शौक है मीना जिस तरह कोई गानो अगर वो म्यूजिक नाल बचा लो तो कोशिश क्या काफ़ी बार यो करूँ कि उसने ला गया ना नाल प्रैक्टिस भी करूँ कि कल मीना किधर गानों पर ऑन द स्पॉट मीना म्यूजिक लग जाए तो उसके नाता मीना गान में कोई प्रॉब्लम ना हो। जी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी जी। तो किसी बड़ी मजलिस में गायो आज थोड़ी मतलब किसी बड़ा? जी मारो यो इंटर यूनिवर्सिटीज फंक्शन तो मारा ही डिपार्टमेंट ने मारो ही डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करा यूनिवर्सिटी में उसने कहीं यूथ हरबा तो उस दिन में गाई थी पर वह गजल है वह उर्दू में अताउल्लाह खान साहब की गजल गाई थी। जी। इश्क को इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। वो निगाहों से बच कर कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। आए बंधन के शहर खामोशा में वो कब्र देखी जो मेरी तो कहने लगे, अरे आज इसकी तो इतनी तरक्की हुई, एक बेघर ने अच्छा सा घर ले लिया। हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। जो चला रूठ के दिलबर मुझसे खून दौड़ा मेरा कातिल को मनाने के लिए और कहा इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी। बहुत खूब के थारो मतलब अग्गे हो के प्लान है के करना चाहूँ जिंदगी में? जी अग्गे हर इंसान एक मतलब दो तरह की लाइफ ना अग्गे लेगा चला, एक पर्सनल एक प्रोफेशनल। जी प्रोफेशनल लाइफ में पहला तो हूँ MBA भी हूँ, तो अगर मेरी पर्सनल लाइफ की गल करेगा तो हूँ मतलब KS वास्ते तैयारी करूँ ली हूँ, KS ऑफिसर ही जाना चाहूँ, पर नाल नाल हूँ अपनी सिंगिंग ना कंटिन्यू करना चाहूँ, एक अच्छी सिंगर बनना चाहूँ। अच्छा जी। की कहना चाहेंगी तुम अपनी बहना ना जी अपना कबीला की बहन है उन्होंने की कहना चाहेंगी? हूँ अपनी कबीला की सारी बहना ना यह कहना चाहूँ कि जिसला इंसान पैदा हुआ उसको कोई शौक हुआ, हर इंसान को एक अपना अपना शौक हुआ, जिसका मेरा शौक तो गाना
काफ़ी जगह यो वह के कई जगह हमना अपना शौक दबाना पे किसे मतलब प्रॉब्लम की वजह ना लिया किसे के कोई हेजिटेशन में हमना किसी भी टाइप की हम उसकी वजह ना अपना शौक ने दबाने की कोशिश करता रहा। कई बार हमना फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती उन्होंने यह कहना चाहूँगी कि थारो कोई भी शौक है जिसने लेगा तो हम बहुत अग्गे चलना चाहें तो हम अपना पेरेंट्स ना आपे कॉन्फिडेंस में लावेंगी तो हम आपे उन्होंने गल करेंगे और दूसरा नंबर तो हमें अपना वास्ते आपे जदोजहद करनी पाएगी कोई दुओ आगे सपोर्ट नहीं करो तो हमें अपना राइट वास्ते अपना हक वास्ते आपे ही लड़नो पैगो और आपे अगे निकलने वास्ते तो अपना लेवल मतलब किसी पर डिपेंड बिल्कुल नहीं रहना क्योंकि हर बंदो अपना ही वास्ते सोचा और तुमने सब तो पहला अपना वास्ते सेल्फिश हो गया सोचना कि मेरी भलाई किस्मा है उनके चीज करूँ और अपना पेरेंट्स की सपोर्ट नाल बहुत अगे निकल जाएंगी। फिर अब तुम्हें कहना चाहूँगी कि दो चीज़ और हैं वे भी बहुत अच्छी करूँ एक हूँ बैत भी गाली और सैफ मलुक सुबह शाम रहती जिंदगी याद अमना सुबह शाम रहती जिंदगी याद अमना ते उनको मेल नसीब एक बार होवे। मीना लगा टाइम मतलब काफी ले लियो तो नाल नाल अगर दो लाइन सैफ मुल्क भी सुना दूं इस वास्ते शॉर्टकट ही मारे नहीं कोई बात नहीं तुम सुनाओ। दुश्मन मरता दुश्मन मरता खुशी ना करिए सजना भी मर जाना दीगर ते दी हो या मुहम्मद ओड़क नो डूब जाना बाग बहारा ते गुलजारा किस कारी यार मिलन दुख कटन हजारा शुक्र करा लख बारी ते दिल बर मुख दिखाम दा नाई दिल बर मुख दिखाम दा नाई दाग मेरा किस तोना सजन दा दर छोड़ मुहम्मद किस दर जाओ खलोना। बहुत शुक्रिया फराज चौधरी जी तुम्हारा स्टूडियो में तशरीफ लाया और तुमने इतनी खूबसूरत गल की। नाज़रीन इसके नाल ही महाराज का प्रोग्राम को विलोम कह दियो इजाजत रब रखो। चढ़ो चैत चे तो तेरो नहीं पुल तो तेरी कसम बेसाख बेसारे ओनी।